मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट किए मैंने कितने बजे, 9:30 बजे। अभी 9:27 हुए हैं। बाकी मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने। अभी बस मुझे बचता है खाना बनाने का काम, जो कि मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी है बहुत ज्यादा टाइम। पौधा उग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर होते नहीं है वैसे पपीते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। और साथ में मैंने लगाया यहाँ पर लेमन ग्रास, जो कि मैं अपनी दीदी के घर से लाई थी। तो भी बार से जाना पड़ेगा मुझे, बारिश होनी चाहिए तो धोनी नहीं। इसमें भी बहुत सारे हो गए टमाटर, ये भारी टमाटर एकदम से फूल जाते हैं, प्यारे से फूल। अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी क्योंकि थोड़ी सी माँ की दाल बच चुकी है कल की, तो बनाऊंगी मैं कढ़ी। साथ में मज़ा आता है मिक्स करके। वैसे तो करेले की सब्जी भी बच गई है, बट कढ़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो चलो अभी मैं छाछ लेके आती हूँ भाभी के घर से। छाछ लेकर मैं आ गई हूँ, अभी बनाऊंगी मैं कढ़ी। अभी हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा और मिर्च, और भी डाल दिया इसमें प्याज। और मैंने यहाँ पर बेसन हल्दी नमक इसमें ही डाल दिया है, बस अभी हमें प्याज को ही भूनना है। अब इसे हम करने देंगे, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, अब खा के पता लगेगा। मेरी कढ़ी भी उबल के रेडी होने वाली है, बस 2 मिनट उबालूंगी मैं इसे, फिर मम्मी का न्योता आ गया है मुझे कि काश मैंने आ जाना पीछे जहाँ हरी जमीन है, अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत दूर है घर से। ये लोगों ने रखा हुआ है घास और हमारा घास उधर है। जा रही हूँ मैं अपने खेत की तरफ, आगे से दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है। हवा चली है बहुत जोरदार, और अभी मुझे जाना है उधर, वो जमीन दिख रही है उससे परे वाली साइड पे। ए, निकली है तेरा घाता। हाँ, वहाँ जो आपको देवदार की पेड़ दिख रहे हैं उस पहाड़ी के ऊपर, उसके पीछे ही हमारा घर है। तो अभी इसको ले जाऊंगी मैं, इस घास को, तो फटाफट करते हैं।
फिर चलते घर की साइड। देखना पड़ेगा उठ जाएगा या नहीं। घास लेकर मैं आ गई और अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। अभी बनाऊंगी चावल। चावल मैंने रख दिए हैं पकने के लिए और अभी मुझे भूख लगी थी तो मैंने अनार खा ली हूँ। सुबह मैंने नाश्ता भी किया था फिर भी मुझे भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। जब मैं नाश्ता करती हूँ तो मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है और नहीं करती हूँ तो मुझे लगती ही नहीं। चावल पकने तक मैं कर लेती हूँ रेस्ट, फिर मिलते हैं आपको खाने के टाइम। अभी हो गया खाने का टाइम, मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरदार भूख। तो मिलते हैं आपको सीधे खाना लपेटने का। तो अभी घास लेके मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मैंने चाय भी पी ली है। अभी करूँगी रेस्ट फिर बनाऊँगी मैं खाना थोड़ी देर बाद। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और एक कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।